हम बात करने वाले हैं अबू धाबी में बन रहा हिंदू मंदिर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। मंदिर का निर्माण कर रही संस्था बीपीएस के स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्मा बिहारी दास ने नरेंद्र मोदी को उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया था, जिसे मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि मुस्लिम देश यूएई के राजधानी अबू धाबी में बन रहा ये पहला इतना बड़ा हिंदू मंदिर है। यह अयोध्या मंदिर की तरह काफी भव्य और शानदार है। ये मंदिर करीब 55,000 वर्ग मीटर में बन रहा है, जिसे भारतीय कारीगरों ने तराशा है। मंदिर के निर्माण में 50,000 से अधिक लोगों ने ईंटें रखी है, जिनमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अभिनेता संजय दत्त और अक्षय कुमार भी शामिल हैं। बीपीएस संस्था इस मंदिर के निर्माण का कामकाज देख रही है। बीपीएस एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 1100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी इसी संस्था ने किया था। मंदिर में की गई जटिल नक्काशी और मूर्तियां भारत में बनकर तैयार हुई है, जिनको विशेष व्यवस्था के साथ मंदिर तक पहुंचाया गया है। भारत के कई कारीगर अबू धाबी मंदिर के निर्माण में जुटे हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, जिसमें 40,000 क्यूबिक मीटर संगमरमर और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर लग रहा है। इस मंदिर को बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मंदिर के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने दान भी दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अबू धाबी में बन रहा हिंदू मंदिर के बारे में आपकी क्या